देश का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने अपने आम बजट में हरियाणा को देश का 22वां एम्स तोहफे में देने की घोषणा की है, जिससे हरियाणा के लोगों में खुशी की लहर है। आखिरकार भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की मेहनत रंग ला ही गई। ग्रामीणों ने सरकार के इस ऐलान के बाद न सिर्फ लड्डू बांटकर खुशी जताई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार भी जताया। साथ ही इस इलाके में ऐसा कोई रोजगार का भी धंधा नहीं था जिसके बलबूते पे लोग अपने जीवन यापन कर सके, तो इससे रोजगार के बहुत बड़े आयाम खुलेंगे और लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलने वाला है और बड़ी फ्री में इनको एक स्वास्थ्य सेवा मिलनी है जो कि बहुत ही जरूरी थी। और इलाके में खुशियों की लहर दौड़ रही है, सभी आदमी दिवाली की तरह इसको आज के दिन को याद रखेंगे और पूरे इसमें सबसे ज़्यादा राव इंद्रजीत सिंह का योगदान है और पूरा क्षेत्र का योगदान है और सीएम खट्टर का और जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री का हम सभी क्षेत्रवासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मनीठी एम्स की जो मांग थी वो पूरी हुई। और इलाके की जनता जो 4 महीने से जो संघर्ष कर रहे थे, आज उस संघर्ष की जीत है। इसके लिए पूरा इलाका माननीय राव इंद्रजीत सिंह स्थानीय सांसद का धन्यवाद करता है, जिन्होंने बड़े ही अथक प्रयासों से इस घोषणा को अमली जमा पहनाने का पूरा सहयोग किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं और इलाका उनका सदैव आभारी रहेगा।